अनाउंस कर लेती हूँ। यूपी जूनियर एडेड भर्ती का शीघ्र इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर आ रही है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत ढंग से ओमार की चेकिंग की शिकायत की थी, तो जिस पर शासन के पास कमेटी ने रिपोर्ट भेजी, तो शासन ने निर्णय लिया है कि जो है फिर से जो है ओएमआर जो थी अभ्यर्थियों की फिर से चेक की जाएगी, जैसा कि आप न्यूज़ देख पा रहे हैं। तो अब इस भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि कम से कम नहीं तो दोबारा रीचेकिंग में ओएमआर की कम से कम नहीं तो एक महीने का समय लग जाएगा, और तो फाइनल रिजल्ट जो है उसके बाद घोषित होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो न्यूज है ये 9 जून 2022 का है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापक सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की कापियों अर्थात ओएमआर सीट का पुनर्मूल्यांकन होगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को बुधवार को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन करते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित करने के लिए आदेश दिए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायत के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गईं। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। प्रमुख सचिव दीपक कुमार के अनुसार शासन ने सम्यक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है। अपने स्तर पर आंतरिक समिति गठित करते हुए संपूर्ण परीक्षा परिणाम को पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल तत्काल घोषित किया जाए। इस प्रकार से इस भर्ती प्रक्रिया में अब थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, क्योंकि कम से कम नहीं तो एक महीना मान के चलिए जुलाई तक तो फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है। फिर से जो पुनर्मूल्यांकन होगा रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो फाइनली नियुक्ति पत्र मिलने तक कम से कम नहीं तो अगस्त सितंबर तक का समय लग सकता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको अंतिम रूप से चयन हेतु जूनियर एडेड विद्यालयों में अग्रिम शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप फाइनली इस भर्ती परीक्षा में सेलेक्ट हों और अपने माता पिता देश समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।